नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है खास सब्जेक्ट के साथ और मैं हूँ आपके साथ सलोनी राजपूत। उधमपुर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखेगा, बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। दो दिन अगर आपको याद होगा पहले, तो दो दिन पहले एयरफोर्स रोड पर बिरमा पुल क्षेत्र में एक चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया था और उसी दिन जो है चोरी स्कूटी चोरी का मामला भी सामने आया था, जिस बीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था और उसके बाद उन्होंने मामले को सुलझाने का धावा भी किया गया था। अब आपको बता दें कि दो दिन में ही हमारे उधमपुर पुलिस ने कार्रवाई और उधमपुर पुलिस कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है। उसी बीच तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, तीनों ही दोस्त बताए जा रहे हैं और उनमें से दो ने स्कूटी पर सवार होकर जो है महिला का मंगलसूत्र छीना था। आरोपियों की पहचान आपके सामने रखें तो आरोपियों की पहचान विशाल निवासी सुचेतगढ़ जम्मू, विकास निवासी उधमपुर, निहाल निवासी आदर्श कॉलोनी उधमपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलसूत्र और स्कूटी को जो है बरामद कर उधमपुर एवं रामपुर पुलिस थाने में जो है मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या, जानकारी के अनुसार दो दिन पहले एयरफोर्स रोड से एक स्कूटी चोरी हुई थी और जिसकी शिकायत जो है उधमपुर पुलिस स्टेशन और उधमपुर पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। वहीं उसी दिन बिरमा पुल पर जो है उसी इलाके में चोरी का मामला सामने आया था। उसी चोरी की स्कूटी पर सवार दो युवकों ने स्कूल से स्कूटी पर घर लौट रही फीमेल टीचर के गले से मंगलसूत्र छीन लिया था। इस संबंध में रामपुर पुलिस स्टेशन में जाकर रामपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था और उसके बाद पुलिस ने जांच और सीसीटीवी फुटेज को देखकर उसके आधार पर दोनों आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया और साथ ही पूछताछ में उन्होंने उनसे जुर्म भी कबूल करवाया, जिसके बाद उन्हीं के निशानदेही पर जो है स्कूटी भी बरामद कर ली गई और मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने उनके तीसरे दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए, लगातार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है, जो चोरी चकारी के मामले जो सामने आ रहे हैं उन मामलों को सुलझाती नजर आ रही है। और अभी आपके सामने हमने रखा कि दो दिन पहले ही चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया था, उसी दिन स्कूटी का चोरी का मामला भी सामने आया था और दो दिन में ही आपको बता दें कि उधमपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन चोरों को पकड़ा है, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ अभी बता दें कि कार्रवाई जारी है। कि फिलहाल अभी बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है, उधमपुर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखेगा, दो दिन में ही कार्रवाई करते हुए उन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक मंगलसूत्र और स्कूटी जो उन्होंने चोरी की गई थी वो स्कूटी को जो है वो बरामद कर लिया गया है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसके पीछे नशा जो है वो ज़्यादा रह रहा है, इन सब चीज़ों करके जो है वो नशा का सेवन करते हैं, जिस बीच वो अपना ही फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। लेकिन हमारे उधमपुर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की दाद देनी होगी, हम सल्यूट करते हैं उनको, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार उन लोगों को पकड़ने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर जो है वो नशा मुक्त हो और इन सब मामले जो है ये सब मामले सामने ना आए। तो एक बार फिर से बताते चले, उधमपुर से बड़ी अपडेट, चैन स्नैचिंग और स्कूटी चोरी के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई आगे की जारी है। बेहद जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, सल्यूट उधमपुर पुलिस के लिए जरूर लिखेगा और जिंदाबाद उनके लिए जरूर लिखेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। अभी के लिए इतने, एक बार फिर हाजिर होंगे खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।